हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर रिव्यू के चौथे वीडियो में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन रेट एंड कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट में आखिरी में हम जाके कोई भी नोड को इंसर्ट कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, चलो। अभी तक हमने क्या देख लिया था यार, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। पिछले तीन वीडियोस में हमने लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट देख लिया था यार, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट देख लिया था हमने। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट देख लिया था हमने। उसके बाद हमने ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं ये भी देख लिया था, अच्छे से ऑपरेशंस देख लिए थे। और उसी वीडियो के एंड में हमने सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट बिगिनिंग कैसे करते हैं ये भी बहुत ही अच्छे से समझ लिया था और कोड भी कर लिया था। ठीक है, इंसर्शन एट बिगिनिंग कैसे करते हैं ये भी हमने बहुत ही अच्छे से समझ के कोड कर लिया था। ठीक है, और यहाँ तक हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आई थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम करने जा रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट एंड कैसे करते हैं, इंसर्शन एट एंड कैसे करते हैं। ठीक है, ये समझेंगे, चलो मजा आएगा, देखते हैं। तो पहले इंसर्शन एंड क्या होता है ये देख लेते हैं यार। मैं कहा कि एक लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, जिसमें कुछ नोट्स हैं। ये मान लो नोड वन है, ये मान लो नोड टू है, ये मान लो नोड थ्री है। ठीक है, इनिशियल लिस्ट है हमारी, ये नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हमें कहा गया है कि हमारे पास एक नया नोड है। ठीक है, हमारे पास एक नया नोड है जो इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में डाल रखा है कि जब भी एक नया नोड बनेगा तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो नया नोड है ना, इसको ले जाके यहाँ पे इंसर्ट करा देना है, यहाँ पे इंसर्ट करा देना है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट कैसा दिखेगा, हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। नोड वन, ठीक है, ये नोड टू से लिंक्ड होगा, ये किससे लिंक्ड होगा, ये नोड थ्री से लिंक्ड होगा, और नोड थ्री फिर किससे लिंक्ड होगा, ये जो हमारा न्यू नोड है, ये जो हमारा न्यू नोड है उससे लिंक्ड होगा, और लास्ट में ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, चलो कैसे करते हैं भैया, समझते हैं अप्रोच क्या है। मैंने कहा स्टेप्स याद करो यार, स्टेप वन क्या था इंसर्शन का, कोई भी केस हो स्टेप वन क्या था। मैंने कहा भैया सबसे पहले तो एक नोड क्रिएट करना है हमें, क्रिएशन ऑफ न्यू नोड। ठीक है, इसकी जरूरत क्या है, मैंने कहा जब इंसर्ट करवाने जाओगे तो अगर हमारे पास नोड ही नहीं होगी तो हम क्या ही इंसर्ट करवा पाएंगे। लॉजिक के बात में अगर हमारे पास नोड होगी नहीं तो हम इंसर्ट करवा ही नहीं पाएंगे ना, तो सबसे पहला काम क्या है कि एक नया नोड को क्रिएट कर लेना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, मैंने कहा कि चेक करो इफ लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। दूसरा स्टेप क्या है, चेक करो इफ लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, इनिशियली हमारे पास लिस्ट में कोई भी नोड नहीं हो सकता है या फिर कुछ नोड हो भी सकते हैं, तो हम चेक कर लेंगे उसको। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या था हमारा, कोड कर दो यार इंसर्शन वाला। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा स्टेप टू के बाद उसके हिसाब से कुछ स्टेप्स कर देने हमें। ठीक है, चलो तीनों को अब समझते हैं तोड़ के। क्या था स्टेप वन, क्रिएशन ऑफ नोड कैसे होता है, मैं कहा तीन वीडियो से बता रहा हूँ क्रिएशन ऑफ नोड कैसे होता है। भैया कुछ नहीं है, एक लाइन का कोड है, कंस्ट्रक्टर कॉल करना है बस हमें। हमने क्या करा, नोड स्टार टाइप का एक न्यू नोड बना लिया। ठीक है, और हमने न्यू कीवर्ड डाल के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। भैया ये तो ईजी है यार, आगे बताओ जल्दी। मैं कहा हाँ, ठीक है, चलो ये हमारा न्यू नोड बन गया, इसमें कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसा एक नोड हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, न्यू नोड, ये नल को पॉइंट कर रहा होगा और इसमें वो वैल्यू होगी। ठीक है, चलो भैया ये तो आसान था, एम्प्टी लिस्ट वाला कैसे चेक करते हैं, चेक इफ लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, चेक इफ लिस्ट इज एम्प्टी और
नॉट कैसे चेक करते हैं भैया? मैं कहा याद करो, पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था, जब हमारी लिस्ट एम्प्टी होगी, जब हमारी लिस्ट एम्प्टी होगी तो हमारा हेड और टेल पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा? भैया भूल गया मैं, वापस बता दो। मैंने कहा हेड का काम क्या था? हेड का काम था कि इट पॉइंट्स टू फर्स्ट नोड, इट पॉइंट्स टू फर्स्ट नोड, ठीक है। और टेल का काम क्या था? भैया याद आ गया, ये लास्ट नोड को पॉइंट करता है। मैंने कहा हाँ यही है, इट पॉइंट्स टू लास्ट नोड, ठीक है। तो उस केस में जिसमें हमारे लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, हेड और टेल किसे पॉइंट करेगा? हेड तो पहले नोड को पॉइंट करता है, टेल तो आखिरी नोड को पॉइंट करता है। अब नोड ही नहीं है भैया, लिस्ट तो एम्प्टी है, तो किसे पॉइंट करेगा? किसी को नहीं, किसी को नहीं का मतलब नल। तो जब लिस्ट एम्प्टी होगी हमारी, तो हेड हमारा नल को पॉइंट कर रहा होगा और टेल भी हमारा नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो यहां से कंडीशन बन सकती है, क्या कंडीशन बन सकती है कि भैया अगर इफ हेड हमारा नल पे हो, हेड हमारा नल पे हो मतलब लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, लिस्ट एम्प्टी है, एल्स लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिस्ट एम्प्टी, लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। भैया आसान था, आसान था। चलो तीसरा स्टेप, कोड कर दो यार इंसर्शन का, कोड कर दो यार इंसर्शन का। मैंने कहा कि दूसरे का जो रिजल्ट आएगा ना, इफ लिस्ट इज एम्प्टी मतलब इफ हेड इक्वल टू नल, तब हमें यहाँ पे कुछ कुछ कोड करने होंगे, ठीक है। और अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब हमें यहाँ कुछ 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 कोड करने होंगे, ठीक है। बस ये जो कोड है ना, ये जो कोड है ना, यही हमारा स्टेप थ्री है, ठीक है, यही हमारा स्टेप थ्री है। समझ आ गया, समझ आ गया। चलो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक इनिशियल लिस्ट हो गया, ठीक है, हमारे पास एक इनिशियल लिस्ट हो गया। अब या तो वो एम्प्टी भी हो सकती है या नॉन एम्प्टी हो सकती है, ठीक है। तो पहले एम्प्टी वाला केस देख लेते हैं यार, एम्प्टी वाला केस देख लेते हैं। मतलब हमारे पास एक लिस्ट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस केस में हेड हमारा नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, टेल हमारा नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। स्टेप वन के बाद हमने क्या करा? स्टेप वन के बाद हमने एक नया नोड बना लिया, न्यू नोड हमने बना लिया, ठीक है। ये नल को पॉइंट कर रहा है, इसमें कुछ वैल्यू होगी। मैं कहा कि एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है, कि इंसर्शन के बाद कैसा दिखेगा लिस्ट। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना, बहुत ही तगड़ी टिप है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो उसका रिजल्ट पहले ही सोच लो कि रिजल्ट क्या होगा। तो क्या है ना, स्टेप्स पता चल जाते हैं हमें क्या क्या करना है, ठीक है। एक बार रिजल्ट देख लेते हैं यार, रिजल्ट में हमारा जो लिस्ट है उसमें अब एक नोड प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसमें अब एक नोड हमारा प्रेजेंट होगा जो कि हमारा वो नया वाला नोड होगा। अब हमारा लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हमारा हेड और टेल नल को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। एम्प्टी था जब ही नल को पॉइंट कर रहा था, अब एम्प्टी नहीं है तो नल को पॉइंट नहीं करेगा, तो किसे पॉइंट करेगा? हेड किसको पॉइंट करता है? पहले नोड को। इस लिस्ट में पहला नोड कौन सा है? यही वाला नया नोड, क्योंकि एक ही नोड है तो पहला नोड यही होगा, लगा कि हेड भी यही होगा। टेल किसे पॉइंट करता? आखिरी नोड को। आखिरी नोड कौन सा है? भैया एक ही नोड है तो पहला और आखिरी दोनों यही होगा, लगा हाँ टेल भी इसी को पॉइंट करता है, ठीक है। डिफरेंस क्या दिख रहा है यार दोनों में? डिफरेंस क्या दिख रहा है दोनों में? मैं कुछ नहीं दिख रहा भैया डिफरेंस, बस जो हेड और टेल यहाँ नल को पॉइंट कर रहा था ना, इसमें हेड और टेल पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब नए वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। मैंने कहा बस इतना ही तो कोड है, कुछ नहीं करना, बस हेड को न्यू नोड पे पॉइंट करा दो, ठीक है, और टेल को न्यू नोड पे पॉइंट करा दो। यार इतना करवा देंगे, हमारा रिजल्ट हमें आ जाएगा, ठीक है। चलो एम्प्टी लिस्ट हो गया हैंडल। हाँ भैया एम्प्टी लिस्ट हो गया, ये तो इजी था, नॉन एम्प्टी वाला बताओ तब समझूंगा मैं।
चलो यार नॉन एम्प्टी वाला बता देते हैं। नॉन एम्प्टी एग्जांपल में हमारे पास एक लिस्ट होगी, इसमें कुछ नोट्स होंगे, ठीक है। मान लो ये नोड वन है, ये नोड टू है, ठीक है, ये नोड थ्री है, और ये नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास एक न्यू नोड है, स्टेप वन के बाद हमने एक न्यू नोड बना लिया यहाँ पे, ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। मैं कहा रिजल्ट देख लेते हैं यार, रिजल्ट इंसर्शन के बाद ये कैसा दिखेगा, या इंसर्शन के बाद कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। ये नोड वन ये पॉइंट कर रहा होगा नोड टू को, ये पॉइंट कर रहा होगा नोड थ्री को, ये अब इसके बाद आ जाएगा हमारा नया वाला नोड, क्योंकि एंड में जाके इंसर्ट होगा ये। हाँ, न्यू नोड को पॉइंट कर रहा होगा और ये नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। चलो, इस वाले केस में हेड हमारा यहाँ पे था, टेल हमारा यहाँ पे था, ठीक है। इस वाले केस में हेड हमारा यहाँ पे होगा, टेल हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। टेल आखिरी को पॉइंट करता, ठीक है। डिफरेंस क्या दिख रहा है, डिफरेंस देख लें, डिफरेंस क्या दिख रहा है। पहला डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा नोड थ्री है ना, अभी जो हमारा इनिशियल लिस्ट में जो लास्ट नोड था, इनिशियली जो हमारा लास्ट नोड था उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट था वो नल को पॉइंट कर रहा था, जब भी तो लास्ट नोड था ना वो, क्योंकि उसका नेक्स्ट वाला पार्ट नल को पॉइंट कर रहा है। लेकिन इंसर्शन के बाद मुझे क्या दिख रहा है कि नोड थ्री का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये तो न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है। इनिशियली हमारा नोड थ्री का जो नेक्स्ट वाला पार्ट था वो नल को पॉइंट कर रहा था, लेकिन इंसर्शन के बाद जब उसके आगे एक और नोड आ जाएगी तो वो किसे पॉइंट करेगी, तो वो तो अपने अगले वाले नोड को पॉइंट करेगी, मतलब न्यू नोड को पॉइंट करेगी। तो स्टेप वन क्या था, क्योंकि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा ना, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसे न्यू नोड पे पॉइंट करा दो। लास्ट नोड को हम एक्सेस कैसे करते थे, तो जैसे फर्स्ट नोड को हम हेड से एक्सेस करते थे, वैसे हम लास्ट नोड को टेल से एक्सेस करेंगे। तो हमने कहा कहा कि जो टेल का नेक्स्ट पॉइंटर है ना उसको न्यू नोड पे पॉइंट करा दो भैया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। भैया एक और डिफरेंस दिख रही है क्या, कि टेल अभी नोड तीन पे था, टेल अभी नोड तीन पे था, रिजल्ट में टेल हमारा नए वाले नोड पे है। मैंने कहा हाँ, टेल भी तो अपडेट होगा ना, क्योंकि इंसर्शन के बाद ये आखिरी नोड तो ये नया वाला नोड हो जाएगा, और टेल तो हमेशा आखिरी नोड को ही पॉइंट करता, तो टेल को भी अपडेट कर देते हैं। चलो, स्टेप टू क्या है, टेल को हमने न्यू नोड पे पॉइंट करा दिया, खत्म यार, कोड खत्म, इतना सही था, कर ले। चलो कोड करते हैं। ये हमने इंसर्शन बिगिनिंग के लिए लास्ट में लिख लिया था लास्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम इंसर्शन एट एंड के लिए लिखेंगे, ठीक है। इंसर्शन एट एंड के लिए पैरामीटर्स क्या क्या है भैया, हेड को अपडेट करना है तो हेड भी पास करेंगे, नहीं हेड नहीं, टेल को अपडेट करना है तो, और हेड को तो हमें लिस्ट को एक्सेस करने के लिए चाहिए। चलो, टेल भी पास हो गया, और एक डेटा भी तो चाहिए ना, डेटा। चलो, स्टेप वन क्या था हमारा, स्टेप वन क्रिएशन ऑफ नोड, कैसे क्रिएट करते हैं। भैया कुछ नहीं है, एक नोड स्टार टाइप का न्यू नोड बना लो, ठीक है, और न्यू कीवर्ड के बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दो, ये जो डेटा आपने पैरामीटर में पास किया है ना ऊपर यहाँ पे, बस उसी डेटा के साथ एक नोड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। स्टेप टू क्या था, एम्प्टी लिस्ट चेक कर लें। चलो, एम्प्टी लिस्ट के लिए कंडीशन क्या थी, अगर हमारा हेड नल पे होगा, ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है, वह कुछ नहीं करना, बस हेड और टेल को न्यू नोड पे पॉइंट करवा देना, ठीक है, टेल इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, तब एल्स वाला पार्ट आएगा, और इसमें हमें क्या करना है भैया, क्या करना था, क्या करना था भैया, याद आ गया, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर था ना उसे हमें नई नोड पे पॉइंट कराना था, और लास्ट नोड को हम एक्सेस कैसे करते हैं, टेल से। तो हमने क्या करा, टेल का नेक्स्ट को हमने न्यू नोड पे पॉइंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद टेल को अपडेट भी तो करना था ना, चलो टेल को हमने अपडेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, खत्म यार, फंक्शन हमारा खत्म हो गया। रन करके देख ले एक बारी,
हमारी इनिशियल लिस्ट क्या है पहले ये देख लेते हैं यार। हमने लास्ट लेक्चर में 10 और 20 इंसर्ट किया था बिगनिंग में, तो हमारी आउटपुट आई थी पहले 20 और फिर 10, ठीक है। हेड हमारा 20 पे था पहले नोड पे दिख रहा होगा, और टेल हमारा 10 पे था जो कि लास्ट नोड, ठीक है। चलो अगर मैं इंसर्शन एट एंड कॉल करूँ, अब इंसर्शन एट एंड कॉल करूँ मैं किसके लिए, चलो मैं 30 डाल के देखता हूँ यार। रन करने के पहले लॉजिकली सोच लेते हैं एक बार, 30 कहाँ आएगा। एंड के लिए कॉल कर रहे हैं तो ये जो 20 और 10 है इसके बाद कहीं 30 आना चाहिए, है ना। चलो रन करके देखें, देखते हैं यार। पहले 20 आया, फिर 10 आया, और फिर लास्ट में हमारा 30 जाके इंसर्ट हो गया है। हेड और टेल अपडेट हो रहा है भैया, हेड 20 पे, हाँ 20 हमारा फर्स्ट नोड है, हेड अपडेट हो रहा है। टेल अपडेट हो रहा है, टेल हमारा 30 पे आ चुका है जो कि लास्ट नोड से परफेक्टली फंक्शन हमारा काम कर रहा है। तो बस यही चार लाइन थे यार कोड के, कुछ नहीं है, सिंपल है। मैं तो पहले ही कहा था बहुत ईजी है। क्या हुआ भैया एक बार वापस से समझा दो। मैंने कहा कि हमने एक नोड बना लिया, ठीक है। इनिशियली हमारे पास क्या थी, इनिशियली हमारे पास थी ये 20 थी, ये 20 थी, ये कनेक्टेड था 10 से, ये कनेक्टर था 10 से, और ये नल को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। हमने क्या करा, एक 30 के लिए नोड बना दी स्टेप वन में, ठीक है। स्टेप वन में हमने 30 के लिए नोड बना दी। स्टेप टू में हमने एम्प्टी लिस्ट चेक करा, नहीं है लिस्ट एम्प्टी नहीं है, एल्स वाले पार्ट पे आ गए। एल्स वाले पार्ट पे हमने क्या करा, हेड यहाँ पे था, टेल यहाँ पे था। हमने क्या करा, ये जो टेल है ना, मतलब ये वाला नोड, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हमने न्यू नोड को पॉइंट करा दिया, ठीक है। इसको हमने नल से हटा के न्यू नोड पे पॉइंट करा दिया, ठीक है, न्यू नोड पे पॉइंट करा दिया। तो इसके बाद लिस्ट हमारी कैसी बन गई, ये 20, ये 10, और इसके बाद ये यहाँ पे कहीं 30। इसके बाद ये लिस्ट हमारी ऐसी बन गई। अब हेड यहाँ पे है, टेल यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने टेल को यहाँ पे लाके अपडेट कर दिया, ठीक है। अब हमारी फाइनल लिस्ट क्या बन गई, 20, फिर 10, और फिर 30। हेड हमारा इस पे है, टेल हमारा इस पे है, सॉरी टेल हमारा इस पे है, और ये नल को पॉइंट कर रहा, और ये हमारी रिजल्टेंट लिस्ट है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा पैसे, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, किसी भी पोजीशन पे कोई डाउट होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें यार, मैं अगले वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। अगली वीडियो में इंसर्शन एनी पोजीशन देख रहे होंगे, सिंगल इंग्लिश में कैसे करते हैं, ठीक है। और शेयर भी कर दें यार, और टाइम मिले तो इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।